वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती हलवा पूरी की सॉफ्ट वाली पूरी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, यहाँ हमारे पास मशीन है और मशीन में आटा गूंदना हरगिज़ हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू नो, आप लोगों को पता है कि मैं बिगड़ी भी हूँ और नवाब हूँ तो सूस भी हूँ, या कह लो जो भी कह लो, तो इसलिए मैं मशीन से गूंद रही हूँ, वरना ईजी है। तो चले, यहाँ हम 2.5 कप मैदा डाल रहे हैं। मैदे से क्या है, इलास्टिसिटी रहती है, तो इसलिए मैदा तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ मैं यहाँ चक्की वाला गेहूं का आटा, जो रोटी जिससे बनाते हैं ना, वो व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा, वो डाल रही हूँ, जो कि है 1/2 कप। इससे सॉफ्टनेस आएगी और उससे इलास्टिसिटी आएगी। तो चले, तो 2.5 कप मैदा और 1/2 कप जो है वो गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इससे क्रिस्पीनेस आएगी। और यहाँ हमारे पास 1/2 टीस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून दही है, इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी पूरियाँ हमारी। चले, और यहाँ हमारे पास ऑयल है, तो वो हम ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून इस वक्त डालेंगे। अब ये मेरा दोस्त, मेरा बड़ी, इसकी उंगलियां मैं इस्तेमाल करूंगी मशीन की, आप अपनी इस्तेमाल शुरू कर दें। तो चले, इसको ऑन करते हैं। और यहाँ हमारे पास नीम गरम पानी है, डालते हैं और आपको फिर बताते हैं कितना यूज़ में आया। जैसे रोटियों का नहीं सॉफ्ट आटा बनाते हैं, इसी तरह का बनाना है। वैसे मैंने एक मरतबा हलवा पूरी की क्रिस्पी पूरियां बनाई है, तो अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी बड़ी अच्छी सी है, लेकिन वो क्रिस्पी ज़्यादा है और ये सॉफ्ट एंड क्रिस्पी मिक्स है, सॉफ्ट साइड पे ज़्यादा है। और अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट पूरी चाहिए कि 2-3 दिन तक सॉफ्ट रहे और मोटी मोटी गद्दे जैसी, तो वो भटूरे मैंने बनाए हैं, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, तो आप देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी है। और ये ओरिजिनल हलवा पूरी वालों के पास जो होती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी और कहीं कहीं से क्रिस्पी वाली, वो वाली है। पानी हमारा यूज़ हुआ है 1 कप। अब आपके आटे पे डिपेंड है, या थोड़ा ज़्यादा जाएगा या थोड़ा कम जाएगा, तो 7-8 मिनट तक अच्छे से गूंद लें। देखिए, ये 2-3 मिनट से बड़ा अच्छा अच्छा सा गूंद रहा है और बड़ा अच्छा सा हो गया है। तो अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये देखिए कितना कितना लीसा लीसा, कितना अच्छा सा है ना। चले, तब 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसको एंड करेंगे 1-8 मिनट में। तो आप हाथ से कर रहे हो तो बहुत अच्छा से गुन जाए, और 90% गुन जाए जब 1 टेबलस्पून तेल डाल दें और एंड कर दें। चले, ये अच्छा सा हो गया, इसको निकालते हैं। चले, ये जो तेल बचा है ये टपका देते हैं। चले, इसको निकाल लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा तेल टपका देते हैं 1-2 बूंद, और इसमें निकाल लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त आटा है ना। तो बस आप लोग भी एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है, सब बड़ा ज़बरदस्त सा ही गूंदेंगे। तो चले, इसको साइड में करते हैं। और
आटे को देखें दो तरीके हैं, या तो आप इसको कवर करके रख दें और रस दे दें। मैं क्या करती हूँ कि बॉल्स बना के कवर करके रख देती हूँ और रस दे देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तीर से दो निशान है, रस भी हो गया और बॉल्स भी बन गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं और इसमें बॉल्स बना बना के रखते हैं। चले, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ ना पूरी का, उसको मैंने दो तरीके से बेला था, तेल से भी और आटे से भी। इसको हम कम्प्लीटली तेल से ही बेलेंगे। तो चलें, आप जो है जैसे छोटी रोटी का पेड़ा बनाएंगे। ये देखें, यहाँ भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे क्योंकि वरना वो चिपक जाएगा आटा। तो ये बस इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट एंड चिकना आटा हो गया अभी से ही। अब आप चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं, आप अपने बॉस से, जैसे दिल चाहे आपको। चले, ये हमारी आखिरी भी हो रही है। तो ये देखें, जो मैंने तेल लगाया था ना, वो थोड़ा सा मैं नीचे भी मेक श्योर करती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा हर जगह टपकाना है हमें। ये देखें इस तरह से एक एक बूंद, ताकि वो ऊपर सॉफ्ट रहे और चिपके भी ना। जी, इस तरह से। और अब उसको प्यार करना है। ऐसा लग रहा है वो छोटा बेबी जो होता है ना, उसके गाल हैं। चल, तो अब इस पे हम इसको, आप किसी भी तरह कवर कर लें, फॉइल से कर लें, प्लास्टिक से कर लें, या कुछ भी। मैं प्लास्टिक रैप कर लेती हूँ। चले, ये कितनी खुश खुश है। बस अब इसे, ये थक गया है आटा, क्योंकि हमने इसकी पिटाई धुलाई सुखाई सब कुछ किया है। अब इसको हम पैम्पर करेंगे। पैम्पर इस तरह से करेंगे कि इससे थोड़ा आराम देंगे। तो बस, आप एक दो घंटे भी कर सकते हैं और 10-15 मिनट भी कर सकते हैं। मैं 10 मिनट करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए, यहाँ ऑयल रखा हुआ है, इसका मैं चूल्हा जो है ऑन करूँगी और 10 मिनट हो गए जब मिलूँगी। देखिए, 10-15 मिनट हो गए हैं, यहाँ हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है और हमें पूरियाँ बेलना शुरू कर देनी चाहिए। बेसिकली गरम नहीं चाहिए हमें तेल, बहुत गरम चाहिए। अगर बहुत गरम होगा तभी पूरियाँ बड़ी सॉफ्ट सी बनेगी। तो चलें, एक पेड़ा लेते हैं हम। देखें कितना खुश खुश है, देखें क्यूट क्यूट। चलें, तो यहाँ हम ऑयल डालेंगे और फिर अच्छे से फैला लेंगे ऑयल को, सरफेस पूरी जो है ना वो चिकनी कर लेंगे, वरना पूरी चिपक जाएगी। अब थोड़ा सा हाथों से बड़ा करेंगे इसको। देखिए कितनी आसानी से हो रही है, क्योंकि इतना अच्छा आटा है और सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब थोड़ा सा ये बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे। और अब इसको बेलेंगे। चले, ये हो गया ऑयल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म गर्म हो गया। अब इसको उठाते हैं और डालते हैं। ये देखिए इतना गर्म होना चाहिए और फौरन हमारा ऊपर आ जाना चाहिए चम्मच। अराउंड 10-20 सेकंड में ही हमें इसे पलट देना है। ये देखें, तो बस 10 सेकंड जो है यहाँ रखेंगे और निकाल लेंगे। और टेम्परेचर हाई होगा तब हमारी पूरियाँ जो है वो ऑयल नहीं पिएंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर लो हुआ तब पी लेगी। और ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तब क्रिस्पी हो जाएगी, हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। चलिए, इसी तरह आप दोबारा ऑयल डालते
और इसको अगेन फैला देंगे। इसमें भी लगा दिया और अब इसको फैला देंगे हाथ से। फौरन ऊपर चम्मच लगा लेंगे। चले बस 20 सेकंड तक यहाँ और 10 सेकंड यहाँ। फर्स्ट साइड जो है 20 सेकंड और नेक्स्ट साइड 10 सेकंड बस। और ये देखें कैसी ज़बरदस्त हलवा पूरी की हलवे वाली जैसी है ना, बिल्कुल। अब जैसे मेरा अभी ऑयल जो है राइट टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर आपका बहुत तेज़ हो गया और बेलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है तब आप थोड़ा सा उसको स्लो कर दें, लेकिन डालते वक्त वही टेम्परेचर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ तब क्रिस्पी बन जाएगी। चले अब मैं एक दूसरा वे बताती हूँ। वो तेल थोड़ा सा डालेंगे, फैला देंगे, ये हाथों से ही हम बढ़ाएंगे। ये देखें इस तरह से, हाथों से फैलाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से बेलन बगैर। अगर आपको ये कंफर्टेबल रहता है तब आप ये करें। चलें तो आप जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो करें, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा पूरियों को ना तलें अगर सॉफ्ट खानी है तो। और ये जो है अगर फॉइल में रख देंगे ना, पेपर में या फिर फॉइल में रख देंगे, तो नेक्स्ट डे भी अगर अच्छी सी गर्म की ना तो इतनी फ्रेश और अच्छी लगेगी, लेकिन लपेट के रख दें। देखें कैसी ज़बरदस्त ख़तरनाक सी पूरियाँ, क्रिस्पी भी और नरम भी सेम टाइम पर। चले चूल्हे को करते हैं बंद और मिलके खाते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी पूरियाँ बन गई, और आपने देखा बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, क्योंकि राइट टेम्परेचर पे तलेंगे तो ग्रीसी भी नहीं होगी, सॉफ्ट भी होगी, क्रिस्पी भी होगी, और आटा भी देखा आपने कैसा मुलायम मुलायम सा होना चाहिए, बेबी के गाल जैसा। अगर आप भूल जाए ना तो कोई बच्चा पकड़ लें घर में, गाल को टच करें, कहें ये हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही आटा चाहिए। तो वैसे बनाए तो आप ज़बरदस्त किस्म की बना सकेंगे। और अगर आपको मेरे हलवे की और ये छोले की तरकारी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो चले अब मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। तबंग पूरी है, क्रिस्पी और सॉफ्ट, परफेक्ट। ये देखें आप लोग को ये शौक था ना कि जितना भी फोल्ड कर सकते हैं कर लें, और फिर जब खुलेगी तो ये देखें बिल्कुल आप लोग को इसी तरह की पूरियाँ चाहिए थी ना। और देखा तेल भी नहीं है, राइट टेम्परेचर होना ज़रूरी है, स्मोकी पॉइंट। अगर आप बेल नहीं पाते और स्मोकी पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब थोड़ा स्लो कर दें, अदरवाइज़ आपको सेम टेम्परेचर पर करना है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। फर्स्ट साइड 20 सेकंड, अदर साइड 10 सेकंड, अगर सॉफ्ट एंड क्रिस्पी चाहिए तो। और अगर बहुत क्रिस्पी चाहिए तो चूल्हा स्लो करेंगे, वरना तो करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर यही वाली चाहिए तो। तो चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, धमाल मचाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।